श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि विवाह के बाद भी बहुत लोग एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर हो जाते हैं, तो विवाह के पश्चात जो संबंध बनते क्यों बनते हैं और उसके उपाय क्या हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथों में नहीं है, सब ग्रहों का खेल है। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो विवाह संस्कार एक शुद्ध सनातन परंपरा है। विवाह प्रेम तथा आकर्षण का पर्याय है तथा अपने पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए एवं वंश वृद्धि के लिए, जिसे पितृदेव प्रसन्न रहे, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसका विवाह निश्चित है। बस कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी का विवाह होता ही, वो 1% लोग होंगे। मनुष्य नहीं, पशु आदि सभी के जोड़े बनते हैं। अतः विवाह एक आवश्यक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। एक शुद्ध संस्कार के रूप में सनातन धर्म में इसकी मान्यता है। इस शुद्ध प्रेम के प्रतीक विवाह में उस समय दोष लग जाता है जब पति या पत्नी द्वारा उसके जीवन में किसी महिला या किसी पुरुष का प्रवेश हो जाता है। यह प्रवेश व्यभिचार या चरित्र दोष बनने लगता है। इसी विवाहोत्तर संबंध के कारण वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। यही नहीं, इसी दोष के कारण भाग्य भी कमजोर होकर बिगड़ने लगता है। कई बार इसी के कारण सुखी घर परिवार टूट जाता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? यदि ज्योतिष की दृष्टि से इसका कारण देखते हैं तो इसका दूर करने का उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताता है। बहुत बार पुरुष और महिला इस दुष्कृत्य का कारण परेशान भी हो जाते हैं। वो इस संबंध से पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। आज इसी दोष पर ज्योतिष के हिसाब से हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। भारतीय ज्योतिष अनुसार विवाहोत्तर संबंध मतलब एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर कब और क्यों होते हैं, और इस संबंध को रोका जा सकता है क्या या इसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है क्या, इसका जवाब भारतीय ज्योतिष के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सरल रूप से बताया है। इसके सूत्र भी ज्योतिष में स्पष्ट किए हैं। जन्म कुंडली द्वारा ज्योतिषी पहचान कर सकता है कि किस पुरुष स्त्री का इस प्रकार से दोष होगा या नहीं, तथा ऐसे कौन से योग भारतीय ज्योतिष में विद्यमान है जिसके कारण विवाहोत्तर संबंध बनते हैं। सर्वप्रथम पुरुष अथवा महिला की जन्म कुंडली द्वारा योग देखें। यह सब कुंडली मिलान के समय देखना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी विवाह की आज्ञा ज्योतिष को करनी चाहिए, जो जानकार ज्योतिषियों बता देते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह आकर्षण पैदा करता है तथा महिला की कुंडली में बृहस्पति देव आकर्षण पैदा करते हैं। जिस पुरुष का शुक्र ग्रह मजबूत होगा और जिस महिला का बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा या शुभ होंगे, उनमें आकर्षण पैदा करने की अद्भुत क्षमता होती है। शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति प्यार तथा आकर्षण बनाता है। इसी प्रकार बृहस्पति भी वैवाहिक जीवन में पति के प्रति प्यार और आकर्षण का निर्माण करता है। इन दोनों में मंगल ग्रह के कारण प्रेम तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह तथा मंगल के सहयोग से वैवाहिक जीवन आनंदित और सुखमय बन जाता है। इसी बीच यदि राहु का इन ग्रहों पर दृष्टि या युति होने से भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, तो राहु के हस्तक्षेप के कारण वैवाहिक जीवन दुखमय बनने लगता है। यदि राहु शुक्र ग्रह को अपनी बुरी दृष्टि से देखता है या साथ में स्थित हो जाता है तो पुरुष का दूसरी महिला की तरफ झुकाव होने लगता है। इसी प्रकार यदि राहु महिला की कुंडली में बृहस्पति ग्रह को अपनी अशुभ दृष्टि से देखता है या युति कर लेता है तो उस महिला का झुकाव किसी अन्य पुरुष की तरफ होने लगता है, अर्थात विवाहेतर संबंध बन जाते हैं। इसके साथ यदि जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र प्लस मंगल या फिर शुक्र प्लस राहु प्लस मंगल की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यभिचार और चरित्र दोष लग जाता है। इसी के साथ जब चंद्रमा कमजोर हो जाए तो पति पत्नी दोनों का एक दूसरे से लगाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है तथा दोनों ही अलग अलग विवाहोत्तर संबंध में फंस जाते हैं, अर्थात व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। तो यदि राहु की अशुभ दृष्टि सातवें भाव में पड़ रही हो या शुक्र बृहस्पति या चंद्रमा के साथ हो तो निश्चित रूप से विवाहोत्तर संबंध बने। इसी विवाहोत्तर संबंध को इन्हीं ज्योतिष सूत्रों द्वारा उपचार से दूर किया जा सकता है।
ओम नमः शिवाय मंत्र की 7 मालाएं प्रतिदिन शाम के समय भगवान शिव के सामने 4, कोई भी परिवार का सदस्य इनका नाम लेकर करने में लाभ होगा। कोई भी आदमी कर सकता है, नाम उसका लेके करना है कि आप उनके लिए कर रहे हो। दूसरा उपाय है, भगवान विष्णु जी के समक्ष पीले फूल बृहस्पतिवार को प्रातः अर्पण करवाइए। घर में कहीं भी लिक्विड हो, लिखोरा पानी वगैरह, तो उसको दूर करें। दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा मतलब हो गया नेत्र त्रिकोण। इसमें कोई भी एक जैसी दो वस्तु नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में भी एक जैसा दो वस्तु कभी नहीं रखें। बेडरूम में कभी भी शराब और नॉनवेज न खाएं। पूजा स्थल पर कोई ताबीज या कोई भी मंत्र आदि भूल कर भी ना रखें। इसके साथ अपने विद्वान ज्योतिष द्वारा शुक्र ग्रह तथा बृहस्पति देव की शांति की जाप अवश्य करवाएं। ऐसा करने से आपको जल्दी लाभ होगा और वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।